मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माई दिल्ली टू चोपता ब्लॉग। इस वक्त मैं तिलवारा में हूँ और कल रात को मैं यहाँ पहुँच गया था। दिल्ली टू चोपता जो है तकरीबन 12 घंटे की जर्नी है और मुझे पता चला कि रोड ब्लॉक है बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड, तो ये जर्नी और एक दो घंटे बढ़ सकती है। तो इस वजह से मैंने भी प्लस 12 घंटा भी बहुत मुश्किल है ड्राइव करना, तो मैंने यहाँ तिलवारा में जो GMBM का रेस्ट हाउस है वहाँ पर ब्रेक जर्नी किया है। इनफैक्ट जब कल रात को मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि मैं तो चोपता के लिए ब्रेक जर्नी ले रहा हूँ, बट ये स्पॉट बहुत ही फेमस है। ऐसे लोग जो चारधाम का यात्रा करते हैं या फिर केदारनाथ जा रहे हैं या फिर केदारनाथ से बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से केदारनाथ, इस तरीके की अगर आप कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ये स्पॉट सेंटर पॉइंट होता है जहाँ हर कोई या मैक्सिमम लोग आ करके ब्रेक जर्नी करते हैं। और ये रिजॉर्ट बहुत ही खूबसूरत है, तकरीबन 50 के आसपास यहाँ पे न्यूली कंस्ट्रक्टेड रूम्स हैं। स्टाफ थोड़े कम है बट स्टिल 50 रूम्स को मैनेज करना इज सो डिफिकल्ट, तो आई रियली अप्रिशिएट देम कि कम स्टाफ होने के बाद भी जिस तरीके से वो इनको मैनेज कर रहे हैं, दैट इज़ कुडोज टू देम। और इसकी एक दूसरी अच्छी चीज़ क्या है कि इसके ठीक सामने मंदाकिनी रिवर है जिसका एक्सेस आप इसके प्रीमाइसेस के थ्रू ही कर सकते हो। और नॉर्मली जब आप इसकी बालकनी में बैठोगे तो इतने सारे चिड़ियों की आवाज़, पानी की आवाज़, आप हर चीज़ को सुन करके बहुत अच्छा पीसफुल फील करोगे। इनफैक्ट जो पूरा का पूरा प्रीमाइसेस है, तकरीबन जो मैंने रफ गेस करा है, तकरीबन 200 से ज़्यादा यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, तो अपने आप में एक फॉरेस्ट ही लगता है। फॉरेस्ट के अंदर एक रिजॉर्ट है ऐसा आपको फील आएगा। और इनका खुद का एक ऑर्गेनिक शॉप भी है, मैं वहाँ पे भी अभी जाने वाला हूँ, बट तब तक आप इस रिजॉर्ट का एक व्यू दें लें और फिर हम मिलते हैं ऑर्गेनिक शॉप में, फिर हम आगे का प्लान करते हैं। केदारनाथ जा रहे हैं और गाजियाबाद से है, ओके। और ये व्रत का खाना हम लोग ने बनाया, काशी का व्रत का हमने बनाया है, हम गाजियाबाद से पहुंचते हैं। हां जी, और हम लोग केदारनाथ चले गए साई बाबा इस्कॉन टेंपल पे। चलिए, थैंक यू। हम लोग त्रिपुरा से आया। अच्छा, त्रिपुरा से। तो त्रिपुरा से पहले आप गाजियाबाद आए, फिर साथ में सब कोई? हां, मेरी मामी है। अच्छा जी, कितने लोग आए? हम लोग 16 लोग। दो लोग हैं। 16 लोग आए। चलिए, आपकी वजह से मेरे को भी व्रत का खाना मिल जाएगा। थैंक यू। आप घर से निकलो ब्लॉगिंग के लिए और आपको व्रत का खाना मिल जाए, इससे अच्छा आपका जर्नी क्या हो सकता है। थैंक यू टू ऑल द लेडीज जिन्होंने हमें ये व्रत का खाना दिया, थैंक यू सो मच। और ये सारे लोग केदारनाथ जा रहे हैं, मैं तो जा नहीं पा रहा हूँ, बट आई थिंक कहीं ना कहीं मैं इस व्रत के खाने से केदारनाथ से कनेक्ट हो जाऊँगा। थैंक यू। ये प्रदीप जी हैं जो इस शॉप को चलाते हैं और ये इनका ओनर भी हैं, तो मैं प्रदीप जी से जानना चाहूँगा कि ये शॉप क्या इम्पोर्टेंस क्या है, कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ऑर्गेनिक हैं और भी क्या क्या प्रोडक्ट हैं इनके पास, ये हमें बताएंगे। सो प्रदीप जी, आप चलो बताएंगे इनके बारे में।
जो सर ये हमारे यहाँ पे दो ब्लॉक हैं, अगस्त मुनि और जोकली ब्लॉक। हाँ जी। यहाँ पे हमारी 15 सहकारिता है, संघ बने हुए हैं इसमें। अच्छा। तो संघ है तो इसमें जो भी जितने भी जैसा राजमा हो गई और चौलाई हो गई, जंगोरा हो गया, दालें हो गई और चावल हो गए, ये सब हमारा ये है जैविक है। जैविक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। अच्छा, तो एक चीज मुझे आप बताइए कि ये जो प्रोडक्ट है आपके, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है या फिर जो GMBM तिलवारा में आके रुकेंगे या आसपास में कहीं रुकेंगे? एक हमारे हिलांस आउटलेट रुद्रप्रयाग में भी है। हिलांस। हिलांस। अच्छा जी। हाँ जी। हिलांस नाम से है। रुद्रप्रयाग में। जी, रुद्रप्रयाग में है। हाँ। और वहाँ पे भी हमारी एक सहकारिता है जो है वो है संजीवनी वाले। अच्छा जी। उनके नाम से वो चलता है, बट ऑनलाइन नहीं है, जिसको भी आना है शॉप पे आकर के ही ले सकता है ऑनलाइन। तो जिस तरीके से कोई गेस्ट हाउस में रुका हुआ है या आसपास में कहीं दूसरी जगह भी रुका हुआ है, बट ये रीच उनके रीच के हिसाब से वो यहाँ आ सकते हैं, तो आकर के वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो टोटल कितने प्रोडक्ट हैं आपके शॉप में? ये हमारे पास कुछ तो यहाँ पे है। हाँ। और बड़ी दुकान हमारी वहाँ पे रुद्रप्रयाग में। अच्छा जी। बट ओवरऑल सारे के सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, जैसा केदारनाथ मंदिर हो गया, बद्रीनाथ मंदिर हो गया। हाँ जी। हाँ जी। और जैसा ये चुल्लू का तेल है, रुमानी तेल। अच्छा जी। ये सब हमारा लोकल ही है। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने भी कुछ कुछ सामान ले लिया है। ये है भांग का सीड, इसको फ्राई करके खाने के बहुत बेनिफिट हैं। मिक्स पिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनका कहना है कि ये हर्बल टी अगर आपको बनाना है तो उसके लिए हिमालयंस वगैरह से ये मिक्स करके पाउडर बनाते हैं, चाय में डलाइए तो बहुत एनर्जी बूस्ट करता है आपका। रेड राइस, भाई साहब का कहना है कि इन्होंने प्रॉपरली जैसे वो धान को कूटते हैं ना, इस तरीके से कूट करके बस उसको, उसके जितने भी डस्ट हैं उसको हटा के डायरेक्ट पैकेजिंग करिए। इसके अलावा भी ये हनी है, होप इट शुड बी गुड, टेस्ट करके पता चलेगा। एंड देन इनका ये कहना है कि ये जो धूप है ये भी इन्होंने हाथ से बनाया हुआ है, नो केमिकल्स नथिंग, तो ये मैंने धूप लिया है। इसके अलावा इंडियन फूड में अगर स्पाइस ना हो तो वो फूड कम्प्लीट नहीं होता, तो ये मैंने ले लिया है, कुछ अपने लिए कुछ अपने दोस्तों के लिए। चलिए अब टेस्ट करते हैं जब दिल्ली पहुँचेंगे तब। शॉपिंग मेरी हो गई है, बगल में तिलवारा GMBM जो हमारा गेस्ट हाउस है उनका न्यूली कंस्ट्रक्टेड कैफेटेरिया है। सच पूछो तो मुझे देख के अपने कॉलेज दिन की याद आ रही है, वहाँ भी कुछ ऐसा ही होता था। तो अब मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं चोपता के लिए निकल जाऊँगा। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई जगह पर। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जो आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। थैंक यू।